इसकी बात करें, ये एक ओबीसी प्रोटेक्शन आईसी है। और देखो ओबीसी प्रोटेक्शन आईसी में यहाँ पर एक मॉसफेट का यूज़ किया गया है। देखिए यहाँ पर एक मॉसफेट का यूज़ किया गया, आप देख रहे हैं। अब ये मॉसफेट को कैसे दिखता है, ये मॉसफेट देखिए यहाँ पर ऐसा दिखता है। अब मैंने इसको क्लिक किया तो आप जैसे यहाँ पर देखिए 1+6 एक क्वालकॉम का डिवाइस है जिसमें डुअल लेकर यूज़ किया गया है। सीपीयू यहाँ पर ये यूएफएस लगा हुआ है, इसके साथ एक पावर आपको यहाँ दी है, एक पावर यहाँ और एक छोटी पावर यहाँ, मतलब तीन पावर का सर्किट है दोस्तों ये। अगर आपको तीन पावर का आईसी का सर्किट चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए। अगर ये डायोड बाहर जा रहा है, बोलो क्या, जल्दी बोलो, पी चैनल। अगर ये अंदर आ रहा है एन चैनल। चलो फिर से अब बिना देखे, अगर डायोड बाहर जा रहा है पी चैनल, अब अंदर आ रहा है एन चैनल। दो बार फिर से बोलो, खुद से बोलो, अगर डायोड बाहर जा रहा है बोलो। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। कुछ चंद मिनट के अंदर चलो आपको समझाता हूँ आज मॉसफेट। या मॉसफेट का ना बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है यार। इंस्टीट्यूटों के टीचरों को नॉलेज नहीं है और स्टूडेंट्स को भी नहीं पता चल रहा है मॉसफेट है क्या, काम कैसे करता है, मोबाइल सर्किट में मॉसफेट क्या है। ये वीडियो में देख कर आप सारी चीज़ समझ जाएंगे कि मोबाइल में मॉसफेट आखिर काम क्या करता है भाई। और जो भी इंजीनियर्स स्टूडेंट हैं या जो स्कूल में पढ़ने वाले हैं, मॉसफेट अपने टीचरों से स्कूल से नहीं समझ पाए, इस वीडियो से आए समझ जाएं। और अगर समझेंगे तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ यार, और कुछ ही पल सेकंड में, कुछ ही पल मिनट के अंदर, अगर मैं बात करूँ कुछ ही पल मिनट के अंदर ये आपको समझा दूंगा, ये प्रॉमिस करता हूँ। सो दोस्तों आज बात करेंगे मॉसफेट की, जिसका फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसके ऊपर एक मेटल की आपको प्लेट भी मिलती है। जनरली अगर प्लेट नहीं होगा तो ये ट्रांजिस्टर जैसा दिखाई देगा, अगर ये प्लेट होगा तो ये मॉसफेट जैसा दिखाई देगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो में ट्रांजिस्टर और मॉसफेट, बीजेटी बायपोलर ट्रांजिस्टर, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और मॉसफेट में डिफरेंस बताया था कि दोनों के क्या काम है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चेकआउट कर लेना। अगर मैं बात करूँगा तो मैं आप इसको सब कुछ बताने वाला हूँ कि इसे सिंबल इसका कैसे फाइंड आउट करें, आइडेंटिफिकेशन करें, सर्किट में इसका क्या काम है। और मुझे नहीं लगता इतना सरल किसी ने समझाया होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मॉसफेट दिखता कैसे है, तो यार भाई मॉसफेट दिखता है कुछ इस तरीके से, दिख रहा है। अभी मैं आपको अपने माइक्रोस्कोप के साथ जोड़ के भी मॉसफेट दिखा देता हूँ। सो अभी पर बात करेंगे कि मोबाइल रिपेयरिंग में मोबाइल के सर्किट में कैसा दिखता है, पर अभी बात करें तो मोबाइल के सर्किट में कैसा दिखता है। मोबाइल के सर्किट में मॉसफेट कुछ इस तरह का दिखेगा, जैसे 6 लेग का जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है मॉसफेट, और एक आईसी के फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, पर इसे टेलीकॉम अपने स्टूडेंट के लिए इसको बहुत सरल कर देता है, जो भी हमारे पास पढ़ने आते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि ओप्पो रियलमी वन प्लस में है और अभी नए आने वाले सर्किटों में सारे में अब काम मॉसफेट की स्विचिंग से किया जा रहा है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो अगर मैं बात करूँगा इसका सर्किट सिंबल कैसे होगा, कि मान लो अगर मैं इसको आईसी से नहीं पहचान पा रहा हूँ तो क्या मैं इसको सर्किट सिंबल से पहचान लूँगा। सो आइए इसका सर्किट सिंबल मैं आपको बताता हूँ। सो देखिए इसका सर्किट सिंबल इस तरह का दिखाई देगा दोस्तों। अगर आप इस मॉसफेट को ये पता करना चाहते हैं कि इस सर्किट सिंबल से कि कौन सा एन है और कौन सा पी चैनल है, कौन सा एन चैनल है कौन सा पी चैनल है, तो बहुत ज़्यादा इजी है। मैं इसके बाद में प्रैक्टिकली एक मोबाइल का सर्किट भी ओपन करूँगा, एक ओप्पो के एक मोबाइल का, जिसमें अभी देखिए कॉपी में इसको नोट कीजिए और कॉपी में नोट करके इसको बनाइए, ताकि जब मैं वो सर्किट खोलूँ तो आप उसको बिना देखे बता दीजिए ये कौन सा चैनल है। ध्यान दीजिएगा, पूरे सर्किट में कहीं पर भी ना ड्रेन कहीं लिखा होता है, ना कहीं ड्रेन लिखा होता है, ना कहीं गेट लिखा होता है, ना कहीं सोर्स लिखा होता है। बहुत सारे सर्किट ऐसे होते हैं कि जिसमें कुछ भी लिखा नहीं होता है, फिर उसको पहचानना बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि कहीं ड्रेन और गेट और सोर्स अगर हम देख लें तो चलो हम पहचान भी लें, पर कई बार ऐसा कुछ भी लिखा नहीं होता है। सो मैं तो आपको बहुत ईजी तरीके से बता देता हूँ आपको, सिंपल ये सिर्फ इस डायोड को ध्यान देना है, इस डायोड को ध्यान देना है। अब ध्यान देना, सिर्फ दो चीज़ याद रख लेना, अगर डायोड ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर बाहर निकल रहा है, बाहर देखिए बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब ये एक पी चैनल का मॉसफेट है, ठीक है। और अगर डायोड अंदर की ओर आ रहा है, अंदर की ओर इस तरीके से अंदर की ओर आ रहा है, इस लाइन की ओर जो कि गेट है, तो इसका मतलब ये समझ लो ये एन चैनल है, ठीक है। फिर से करते हैं, ध्यान दो, अगर ये डायोड बाहर जा रहा है बोलो क्या, जल्दी बोलो, पी चैनल। अगर ये अंदर आ रहा है एन चैनल। चलो फिर से अब बिना देखे, अगर डायोड बाहर जा रहा है पी चैनल, अब अंदर आ रहा है
एन चैनल। दो बार फिर से बोलो, खुद से बोलो, अगर डायोड बाहर जा रहा है तो बोलो पी चैनल, अंदर आ रहा है एन चैनल। फिर से, अगर डायोड बाहर जा रहा है पी चैनल, अंदर आ रहा है एन चैनल। चलो ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर आपको सर्किट सिंबल बता दिया, अब हम इसका सर्किट भी ओपन करेंगे। बट थोड़ा सा आपको मॉसफेट के बारे में बता दूँ। मॉसफेट यानी व्हाट इज मॉसफेट? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज काइंड ऑफ एफईटी। इसको एफईटी भी आप बोल सकते हैं, जिसको हम फील इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। ये तीन टर्मिनल से मिलकर बनता है, जैसे गेट, सोर्स और ड्रेन। अगर मैं बात करूँ, ये एक वोल्टेज ड्राइवन सर्किट होता है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज को ड्राइव कराया जाता है एक छोर से दूसरे छोर। अगर मैं मॉसफेट के वर्किंग की बात करूँ तो ये स्विच करता है, अगर एक दो बार करेगा तो स्विच करेगा, अगर बार बार करेगा, बार बार करेगा तो स्विचिंग करेगा। इसको कहते हैं स्विचिंग करना, बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ स्विचिंग करना, इसीलिए इसको स्विचिंग कहते हैं कि जो बार बार होता है। बल्ब चलता है ना, तो बल्ब स्विचिंग का होता है, वो बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है, इसलिए आपको जलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए वो स्विचिंग है। अगर मैं इसको देखना चाहूँ ना, तो उसकी मैं कैसे चेक करूँगा, क्योंकि आँखों से देख नहीं सकता। वैसे ही इसकी स्विचिंग को हम मल्टीमीटर से मेजर नहीं कर सकते, इसके लिए हम इसको DSO से मेजर करते हैं कि स्विचिंग। अगर मैं बात करूँ उसके बाद सिग्नल एम्पलीफाई करना, मैग्नीफाई करना या फिर ऑक्सीलेशन, सो इसके लिए ये ट्रांजिस्टर, इसके लिए ये मॉसफेट, सॉरी ट्रांजिस्टर बोल दिया है, अभी ट्रांजिस्टर का एक वीडियो बनाया है इसलिए ट्रांजिस्टर दिमाग में घूम रहा है दोस्तों। मॉसफेट, तो इसलिए जो मॉसफेट है वो यूज़ किए जाते हैं, अगर क्योंकि ट्रांजिस्टर और मॉसफेट की वर्किंग सेम होती है यार। बट एक क्या होता है, एक पावर, हाई पावर इफिशेंसी डिवाइस है और एक लो पावर इफिशेंसी डिवाइस है। एक वोल्टेज की ड्राइविंग सर्किट है, एक करंट ड्राइविंग सर्किट है। आप यहाँ पे देखेंगे कि द गेट कंट्रोल, देखो द वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द गेट कंट्रोल हाउ मच करंट फ्लो इनटू द ड्रेन, मतलब बेसिकली गेट बताएगा ड्रेन कितना वोल्टेज फ्लो करे। तो दोस्तों एक एग्जांपल सेट कर दूँ, तो बेसिकली मॉसफेट में ना गेट आपको बताएगा कि जो ड्रेन पे है वहाँ से कितना वोल्टेज ड्राइव होगा, गेट बताएगा। जैसे कंपनी का एक मालिक गेट हो गया, वो बताएगा कि कितना फंड इस कंपनी में हम लगाने वाले हैं, तब जाके एक फाइनेंस डिपार्टमेंट एक फंड को राइज करता है। तो मान के सिंपल सी बात है, सो यहाँ पर सारी चीज़ें गेट पर निर्भर होती है। अगर गेट की सप्लाइयाँ ही सबसे ज़्यादा ब्रेक होती हैं, जिसकी वजह से ड्रेन पे जो सप्लाई आती हैं वो रुक जाती हैं और वो आगे नहीं बढ़ती हैं। तो बेसिकली ड्रेन से सोर्स पर स्विचिंग कराना, मतलब एक तरह से वोल्टेज को भेजना, ये वोल्टेज को बढ़ाता नहीं है दोस्तों, जितना वोल्टेज दोगे उतना ही भेजेगा। बट ये आपको दो तरीके से, इसलिए मॉसफेट बनाया जाता है, एक पी टाइप का चैनल, एन टाइप का चैनल। तो अलग अलग टाइप के ये वोल्टेज को भेजेगा, इसका काम वोल्टेज ही भेजना है, पर अलग अलग टाइप के, अलग अलग टाइप से हम इस वोल्टेज को भेजते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह से। जैसे कि देखो ये कौन सा मॉसफेट, अंदर जा रहा है, नीचे नीचे, पी एन, एन या पी, एन चैनल, ठीक है। सो आइए अब हम देखते हैं इसको सर्किट डायग्राम में कि मॉसफेट कैसा दिखता है। अगर दोस्तों मैं सर्किट डायग्राम की बात करूँगा, अब मैंने इसको क्लिक किया तो आप जैसे यहाँ पे देखिए 1+6 एक क्वालकॉम का डिवाइस है, जिसमें डुअल लेकर यूज़ किया गया है। सीपीयू यहाँ पर, ये UFS लगा हुआ है, इसके साथ एक पावर है आपको यहाँ दी है, एक पावर यहाँ और एक छोटी पावर यहाँ, मतलब तीन पावर का सर्किट है दोस्तों ये। अगर आपको तीन पावर का IC का सर्किट चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसका वीडियो बना के आपके लिए ज़रूर डालूँगा और कोशिश करूँगा कि जल्दी डालूँ, कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर जो मॉसफेट है उसको शो किससे किया जाता है। तो देखो सर्किट में मॉसफेट को V से शो किया जाएगा। सो ये आई होप कि आपको पता चल गया होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे मॉसफेट ढूंढना है तो मैं कहाँ से ढूंढूँ, तो आप बीबस को ढूंढ सकते हैं। सो अब अगर आप यहाँ पर बीबस भी लिखेंगे, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर बीबस लिखा हुआ है, अब मैं थोड़ा सा इसको साइड में करूँगा, ये देखिए साइड में किया, अब बीबस लिखा हुआ है, एंटर किया और थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, तो देखिए बीबस जहाँ जहाँ आएगा, देखिए बीबस जहाँ जहाँ आएगा वहाँ वहाँ आपको मॉसफेट, देखिए सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको कनेक्टर से बीबस देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपने देखोगे तो कहो बीबस यहाँ पर USB प्रोटेक्ट, एक USB प्रोटेक्ट IC में चला गया है। सो बेसिकली अगर हम बात करें, ये एक OBP प्रोटेक्शन IC है, अगर हम इसकी बात करें ये एक OBC प्रोटेक्शन IC, और देखो OBC प्रोटेक्शन IC में यहाँ पर एक मॉसफेट का यूज़ किया गया है। देखिए यहाँ पर एक मॉसफेट का यूज़ किया गया, आप दिख रहे हैं। अब ये मॉसफेट को कैसा दिखता है, ये मॉसफेट देखिए यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा। सो बेसिकली अगर मैं इसके थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो आइए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इस पर भी एक अगला वीडियो बना देंगे।
क्योंकि ऑब्वियस है कि मेरे वीडियो बनाने के बाद में बहुत सारे टीचर अब इस पर भी वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को सिखाते आकर हम ही हैं। सो देखिए, आप ये मॉसपैड लिखा, ये मॉसपैड है, तो जनरली आप अगर हम बात करें, एक इसका अगर मैं यहाँ पे नोज कट पॉइंट है 2 3 4 5 6, और बेसिकली इसको हम 7 और इसको हम 8 बोलते हैं, इस तरह से हम इसको गिनते हैं। तो इस मॉसपैड में देखिए डायोड ऊपर क्यों जा रहा है, जल्दी बताओ डायोड ऊपर क्यों, जल्दी बताओ, नीचे की हो जाता तो क्या, ऊपर की हो जाता है तो क्या। सिंपल सी बात है भाई, ऊपर की हो जाएगा तो पी चैनल है और नीचे की हो जाएगा तो एन चैनल है। अब दोस्तों क्या होता है कि बेसिकली ये जो डायोड ऊपर की ओर है और ये एक पी चैनल का मॉसपैड है, और पी चैनल का मॉसपैड गेट पर यहाँ पर लो सिग्नल, एक तरह से लो सिग्नल जाता है, क्योंकि गेट पर अगर आप नोटिस करेंगे, गेट पर अगर आपको जो ड्रेन से कम वोल्टेज आने चाहिए, अगर गेट पर ड्रेन से बराबर या उससे ज़्यादा वोल्टेज आए तो ड्रेन कभी भी वोल्टेज को पास नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है आप ये एक पी चैनल है, सो इसका देखते हैं कि गेट किस तरह से बनाया गया है और इसको कैसे डाला गया है। अगर इसके गेट की बात करूँगा, सो आप नोटिस कीजिएगा, अगर मैं इसके गेट की बात करूँगा, देखिए तो आप देखिए कि इसके गेट को ना एक रजिस्टर के साथ, पुल डाउन रजिस्टर के साथ लगाया गया है और ग्राउंड किया गया है, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पर 5 वोल्टेज जैसे ही आएगा और यहाँ पर अगर कोई वोल्टेज नहीं रहा तो ये 5 वोल्टेज आगे ड्राइव हो जाएगा। अब नोटिस कीजिएगा, गेट पर अगर ये रजिस्टर हट गया तो क्या होगा, अगर ये हट गया तो ये बेसिकली ना ग्राउंड होगा ना ये कोई जीरो वोल्टेज होगा, ये एक NC हो जाएगा जो कि गेट पर सिग्नल बिल्कुल भी नहीं ढूंढेगा। तो अगर सिर्फ ये रजिस्टर, अगर ये रजिस्टर निकल गया तो आपका बी बस रुक जाएगा और आपकी OBP को इनपुट नहीं मिलेगा और आपका चार्जिंग नहीं होगा और आपके नो चार्ज पे ये सर्किट आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ मॉसपैट काम करते हैं। सो कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर कुछ मिनट के अंदर। आई होप, देखिए वीडियो लंबा हो गया, मैं नहीं चाहता था, मैं चाहता 5 मिनट के अंदर बना सकूं, पर चीज़ें इतनी सारी है ना और समझाने का मन करता है एज अ टीचर, सो आपको देने का भी मन करता है। सो कैसा लगा ये वीडियो, मेहनत बहुत सारी है और हिम्मत और जोश के साथ ये वीडियो पूरा बनाया हुआ है। एक लाइक और एक कमेंट तो चाहिए सर प्लीज़। और अगर आपको लगे कि इसे टेलीकॉम इतना काबिल है कि आपको सिखा सके, तो पूरे जोश और पूरी हिम्मत के साथ आ जाओ मेरे पास, 4 दिन का पूरा फुल सिक्योर बैकअप दूंगा कि अगर 4 दिन में समझ में नहीं आया तो पूरे पैसे वापस लेके चले आना। और 4 दिन में तुमसे, अगर आपने SMD भी नहीं पकड़ी है तो तुमसे भी मैं CPU उठवा के लगवा दूंगा, पावर और CPU दोनों उठवा के लगवा दूंगा। और दूसरे दिन में मैं तुमसे CPU यूनिवर्सल IC से रिवॉल्व कराऊंगा, वो भी डुअल डेकर का, और उसमें 4 दिन के अंदर कंपोनेंट, और ये मैं बात करूँगा ICU की ट्रैकिंग, ICU को चेक करना, ICU को नंबरिंग पढ़ना, ये सारी चीज़ें मैं पढ़वा दूंगा। उसके बाद अगर लगे कि कुछ समझ भी नहीं आया तो चले जाना मेरे पास से, पूरी फीस लेके कोई दिक्कत नहीं है। पर आओ इसे टेलीकॉम को ज्वाइन करो और अपने भविष्य को एक नई ऊंचाइयां दो। थैंक यू सर। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकालना हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।